नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। यानी कोई भी संदूक है और कैसा है, घनात्मक है, यानी घन के टाइप का है, उसका आयतन दिया है। क्या दिया है? घनात्मक संदूक का आयतन बराबर है 13.824 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घनात्मक कोई संदूक है जिसका आयतन दिया गया है 13.824 घन सेंटीमीटर। अब घन का आयतन, अब घनात्मक संदूक है तो घन का आयतन का ही फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? भुजा के ऊपर 3 की पावर, यानी भुजा का क्यूब बराबर 13.824। हमें चाहिए भुजा, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां का हम पावर 3 की लगा हटाएंगे तो इस साइड लग जाएगी। क्या हो जाएगी? 13.824। अब 13.824 के हम करेंगे गुणनखंड। तो 13,824 के गुणनखंड क्या होते हैं? किसका घन है? 24 का घन है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? यहां तो 3 ही रहेगा, इसको लिख देंगे, क्योंकि 1, 2, 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 3 अंक के बाद। तो हमने 2.4 × 2.4 × 2.4 लिख लिया। तो 1, 2, 3 अंक बाद हमारा दशमलव रहा, तीनों का गुणा करेंगे तो 13,824 हमें मिल जाएगा। यानी भुजा निकल के कितनी आ गई, भुजा बराबर अब 3 की पावर है, 3 का ही जोड़ा बना है, 2.4 और सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमें बड़े ही सिंपल तरीके से लगाना था। यह हमारा घनमूल वाले चैप्टर में भी आएगा और यह हमारा घन घनाभ वाले चैप्टर में भी प्रश्न आएगा, दोनों चैप्टर में से कहीं भी पूछ सकता है। तो यहाँ हमारा जो घनमूल वाला अभी चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने अभी इसको शामिल किया गया है। जैसा था कि घनात्मक संदूक था, तो घन का आयतन का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, जो होता है भुजा की पावर 3, जो दिया था उसको बराबर में लिख लिया। अब भुजा निकाल ली है तो इसका क्यूब रूट लगा दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो 2.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।